बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ इंजीनियर जरीन गुल और आप देख रहे हैं जरीन टेक्निकल चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेन ड्रिलिंग। जो ट्यूबवेल का जो हमने बताया था कि एक दो किस्म के हैं, एक का ट्रायल बोर है, एक मेन बोर है। आज का टॉपिक हमारा है कि मेन बोर ड्रिलिंग फॉर वाटर सप्लाई। अगर आपने वाटर सप्लाई के लिए जब बोर करना है, ट्यूबल बोर करना है, तो पहले फुर्सत में, जैसा मैंने पहले व्लॉग में आपको बताया है कि आप लोगों ने ट्रायल बोर जरूर करना है और उसके खास पर्पज़ है, ताकि आपके पानी भी पता चले कि कितनी मिकदार में वहाँ अवेलेबल है, उनकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो ज़्यादा क्वालिटी आपको पता चल गया कि यह पानी वहाँ पर फिट था, तो आप लोगों ने उसी जगह पर मेन बोर अभी बोर करना है। अब बोर के मुख्तलिफ तरीके हैं, किस तरीके हैं मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बताऊंगा। आप फर्ज कि आप लोगों ने मेन बोर शुरू कर दिया, और ये मेन बोर जो है ना, हाँ वो तो करते हैं 22 इंच से 24 इंच से, हाँ, लेकिन जब आप मेन बोर करते हैं वो तो आपके कंट्रेक्ट पर डिपेंड करते हैं। जितना आपने नीचे जाना होता है, आपका जो बोर का साइज बड़ा होना चाहिए। तो जब आप इसमें बोर करते हैं, फर्ज किया जब आप बोर करते हैं, इस बोर में तीन किस्म का स्ट्रेटा है। पहला जो स्ट्रेटा है, जो ज़मीन की मुख्तलिफ, यहाँ पे जो ज़मीन वगैरह है ना, उसकी जो मटेरियल है वो एक नेचर के है 100 फुट तक। फिर 101 से लेकर ये 250 फुट में दूसरा किस्म का मटेरियल है, और यहाँ पे तीसरे किस्म का मटेरियल है जो 251 से लेकर आखिरी जो 500 टोटल 500 फुट बोर, यहाँ पे अलग जगह अलग अलग मटेरियल है। तो जब आपका बंदा जो ड्रिलर है, जब आप ड्रिल करते हैं, जो भी वो नीचे चला जाता है और जो भी जमीन का, तो वो सैंपल देते हैं और एक शापर में जमा करके रखते हैं, और शापर के ऊपर लिखते हैं कि 0 फुट से लेकर इतने फुट तक ये मटीरियल है। फिर आगे से फर्ज किया, आप ये समझ किए तीन स्टेटा है, उसने बोर कर दिया, इनका आप लोगों ने स्ट्रेटा सैंपल लेना है, जो इस जमीन में यहाँ पे किस किस्म का, जो जमीन का स्ट्रक्चर किस तरह है। तो आपने जो पहला सैंपल लेने है, फर्ज क्या उसका वो सैंपल S1 है, 0 फुट शुरू करके 100 फुट तक एक किस्म का आ रहा था, आपने उसकी मिट्टी ले लिया, छापर में बंद कर लिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा सैंपल है 101 से अलग मटीरियल है, और यहाँ पे अलग मटीरियल है। तो अब इसके लिए एक जो हमारा जो वाटर डिवाइनर जिसको कहते हैं, या हम आपका वाटर कंसल्टेंट कहते हैं, या आपको जियोलॉजी वाले कहते हैं, या इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूटर टेस्ट वाले कहते हैं, ठीक है, उस स्टेटस से आपको वर्कआउट करते हैं कि यहाँ पे पानी कहाँ कहाँ अवेलेबल है, और किस तकरीबन कितना गैलन पर मिनट या कितना क्यूसिक है। अब आपने जो सिंपल कलेक्ट के लिए, हाँ आप देखते हैं पुराना जमाने में 1000 काम करते साथ सिंपल लगता था, इस सिंपल जमा करने का एक खास पर्पज था, और अभी भी वो है। अब लोग पैसे खर्च करते हैं लाखों रुपए, वहाँ पानी मिलता नहीं है, या अगर पानी भी मिले, बोर भी कर देते हैं, तो बोर जो है ना वो जल्दी फेल हो जाता है। तो उसकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा। तो ये जो आपने तीन सिंपल ले लिए, अब ये सिंपल के उसको उठा के आपने भिजवा रहे हैं जो सिविल इंजीनियरिंग, ये जो लेबॉरेटरी है उनके पास, एक सीव एनालिसिस होता है। सीव एनालिसिस, ये जो टेस्ट है सीव एनालिसिस, बेसिकली सीव एनालिसिस किया है, ये एक ट्रे टाइप का है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के सीव लगे हुए हैं। सीव कहते हैं चांद को, जिसे हम आटा चांदते हैं ना, उसको हम इस किस्म के है, लेकिन उसमें जो फर्क, आप ये फर्क है, ये सीव है, ये एक किस्म का चांद उसमें लगा है, जिसकी ये सुराख है, ये तो बड़े साइज के है, वो उससे नीचे लगा है, उसके सुराख जो है ना उन चांद के, वो इससे थोड़े छोटे है, वो इससे, ये वाले इससे छोटे, ये जो आखिर वाला है सबसे। जो हम ये सिंपल ले लेते हैं, हमने सिंपल नंबर 1 ले लिया, इसमें डाल लिया, तो वो जो लेबॉरेटरी वाले ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप लोगों को वैसे समझाने पर्पज आगे, पर्पज में आगे बताता हूँ कि किस लिए जरूरी है। तो ये जब उसमें सिंपल डाल लेते हैं, वो इस तरह हिलाते हैं ना, तो सबसे बड़ा पार्टिकल इधर रह जाते हैं, उसमें अगर छोटा पार्टिकल हो तो इधर रह जाते हैं, हाँ, तो इससे छोटा हो तो इधर निकल आते, और सबसे जो बारीक पार्टिकल उस इन सारों सिंपलों में, जो भी सबसे बारीक पार्टिकल है तो वो इसमें आता है। ठीक है, अब ये लेबॉरेटरी टेस्ट में तो आपको सीवनेस में ये पता चल गया कि भी
इसका जो स्टेटा है इसमें जो यहाँ पे इस जमीन में दाएं बाएं जो पार्टिकल अवेलेबल है उस पर जो बारीक साइज है वो इस साइज का है। तो जैसे मैं बात कर रहा कि ये हमारा एक सीव इनहेलेशन है, आप यूं समझे कि ये जो सीव है 1/16 इंच सुराह है, यहाँ पे 1/8 इंच की सुराह है, इस सीव में 1/4 इंच की है, इसमें 1/8 मुख्तलिफ साइज की है। जब आपको पता चल गया कि रिपोर्ट में सबसे बारीक पार्टिकल जो है ना ये इस साइज के है, अब इस जमीन में दाएं बाएं जो बारीक पार्टिकल है वो इस साइज के है। अब नेक्स्ट सवाल जो हमारा जो जरूरी सवाल है कि जो हमारा स्ट्रेनर है इसका जो इसमें हम स्ट्रेनर लगाते हैं, एक तो हमारा ब्लाइंड पाइप है, एक हमारा स्ट्रेनर है, जहां पे पानी अवेलेबल है वहां पे हमने स्ट्रेनर लगा रहे हैं। अब ये अब यहां पर ये आपने स्ट्रेनर लगाना है तो इसमें जो सुराख है यहां पे ये जो सुराख है स्ट्रेनर में वो किस साइज का होना चाहिए? असल जो है ना असल मतलब यहां पे जो मेन प्रॉब्लम हमारा आ रहा है, अब अगर ये जो आपने ये जो इसके सुराख है आपने सीव इनहेलेशन के रिपोर्ट के मुताबिक बनाए हैं तो फिर ये तो A1 है, क्योंकि सीव इनहेलेशन भी आते हैं कि भाई आपके सबसे बारीक साइज ये है, सबसे बारीक साइज ये है पानी का, जो पानी अवेलेबल है सबसे बारीक साइज मटीरियल का उसमें ये है। ये जो हमारा सुराख है ये इससे कम हो गया तो ये जो लेस साइज देन सीव एनालिसिस रिपोर्ट, जो सीव एनालिसिस रिपोर्ट आपके पास आ गया कि भाई सबसे बारीक साइज ये है, इस साइज से ये जो इसमें सुराख है ये इससे छोटे होने चाहिए ताकि जब हम वहां पे मुख्तलिफ जगह पे फिल्टर लगाएंगे तो ऐसा ना हो कि अगर ये साइज बड़े हो तो ये पार्टिकल इसमें आएगा, ये पानी के साथ पंप चलाते हो तो पंप पानी अंदर कैसे गा तो इसमें साथ रेत वगैरह भी आएगा, तो ये होगा कि आपको कुछ अरसे बाद ये बोर बल्ब बंद हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आजकल क्या है बहुत आम ट्रेंड ये है, बहुत कम लोग है जो कि जो स्ट्रेनर की सुराख है ना वो सीव इनहेलेशन के मुताबिक बना दें, वरना अक्सर अभी देखा गया है कि जो लोग है ना जो भी आप ट्यूबवेल बोरिंग शुरू किया तो बड़े बड़े पाइप भी लेकर आते हैं और साथ उसी पाइप में कंपनी से सुराख करके आते हैं कि भाई ये सुराख में है, और जब इस तरह करते हैं फर्ज किया जो कंपनी से सुराख लेकर आए हैं पाइप में, अगर वो सुराख ये जो मटीरियल यहाँ पे अवेलेबल है उनका सुराख का साइज यहाँ जो रेत अवेलेबल है या क्ले स्ट्रक्चर है या स्ट्रेटा है उस मटीरियल से वो सुराख ज्यादा है, फिर क्या होगा जब पानी आएगा यहाँ से रेसे भी आएगा और ये जल्दी बंद हो जाएगा। तो आप बराए मेहरबानी आपका जो सीव इंजन से जरूर कीजिएगा और साथ सीव इंजन से जो है ये जो स्ट्रेनर है उसकी सुराख का जरूर ख्याल रखिएगा। आपको अगर हमारी उम्मीद है ये जो वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करें, शेयर कर लें और हमारा जो जरीन टेक्निकल चैनल है इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले जितने भी नए वीडियो हो आपको मिलते रहें। तो ये तो हमारा था मेन मोटा मोटा रिगार्डिंग मेन बोर ड्रिलिंग, बाकी किस तरह पानी के उसमें टेस्ट करना है कि भाई ये अभी पानी इस पे कितना डिस्चार्ज है, इस पे किस साइज का पंप लगना चाहिए अगर आप हो ये जो जितना पानी अवेलेबल है आपको एग्जैक्ट पता हो, अगर आपके उस पानी के रिक्वायरमेंट से ज्यादा वो लगाते हो ना मोटर लगाते हो ज्यादा की पीछेगा वो ज्यादा पानी खींचेगा, अल्टीमेटली क्या होगा ये जो स्ट्रेनर ज्यादा पानी खींचेगा तो स्ट्रेनर के साथ बाहर से
जो है ना रेत वगैरह भी अंदर आएगा और रोटियां करेगा, वो स्टेनर के साथ आरी का काम करेगा, हाँ, तो आपका वो जल्दी डैमेज करेगा, आपका बोर जल्दी बंद हो जाएगा। तो इनके बारे में इंशाल्लाह हम तफसील से नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताएंगे। तो बड़ा मेहरबानी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकअल्लाह खैर।